नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से रिलेटेड है। दरअसल ये राजनीति मेनली बसपा की है, बहुजन समाजवादी पार्टी की है। दरअसल दोस्तों, अभी क्या है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इसमें बसपा बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। इसमें उसके लिए हार का कारण कई रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो ये नहीं है कि बसपा ने एक भी सांसद अपना जिता नहीं पाई, बल्कि उसके लिए हार का जो कारण सबसे ज़्यादा रही है और उसकी जो टेंशन की बात रही है वो ये रही है कि जो नॉन जाटो दलित है वो उसके पास से चला गया, और वो चला गया पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जिसमें भी बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ गया है और भाजपा के पास उस हिसाब से नहीं जा पाया जैसा पहले गया था। तो भाजपा के पास भी गया है और समाजवादी पार्टी के पास भी गया है, और मायावती के लिए ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक और दलित पार्टी है जो आगे बढ़ रही है, जो चंद्रशेखर रावण है, उनकी जो पार्टी है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन मजबूत कर रहे हैं और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इस बार तो वो अपना लोकसभा का चुनाव भी जीत गए हैं और सांसद बन चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मायावती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। इसलिए मायावती अब ये चाहती हैं वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करें, जैसा कि वो पहले थी। और मायावती कई बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, तो उन्होंने इसके लिए अभी एक मीटिंग बुलाई लखनऊ में और अपने सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं इन लोगों से बात करी और इनसे ये बोला कि जो ये मैसेज है कि हमें एक एक व्यक्ति के पास जाना है, उनके कुंडी दरवाजे खटखटाने हैं, लोगों को अपनी बात बतानी है कि संविधान की जो रक्षा है उसको सिर्फ बसपा ही कर सकती है, और जो आरक्षण की सुरक्षा है वो सिर्फ बसपा ही कर सकती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी है, वो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए दलित जो है उसको पूरी तरह से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। ये मायावती जी का संदेश है अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि ये सभी एक एक व्यक्ति के पास जाकर, एक एक घर में जाकर के इस संदेश को पहुँचा दीजिए। तो मायावती सोचिए क्या इतनी अनभिज्ञ हैं कि चलते हुए चुनाव में जो इनके भतीजे हैं आकाश आनंद, इनको इन्होंने हटा दिया था जबकि वो अच्छी तरह से कैंपेन कर रहे थे। हो सकता है कि वो और अच्छी तरीके से लड़ते तो बसपा का उतना, भले वो अपनी सीट ना जीत पाते लेकिन जो इनका पूरी तरीके से वोट चला गया था इतना ना जा पाता। लेकिन बसपा की जो प्रमुख है मायावती, इन्होंने आकाश आनंद को सिर्फ इसलिए हटा दिया था, बोला था कि अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है। और आपको बता दें कि ये चलते हुए चुनाव के बीच में किया गया था। फिर उसके करीब 47-45 दिन बाद मायावती ने उन्हीं आकाश आनंद को फिर से पार्टी की कमान दे दी और ये बोला कि आकाश आनंद पार्टी को अब संभालेंगे, आगे चलाएंगे। तो क्या 45-47 दिन के अंदर आकाश आनंद मैच्योर हो गए? पहले वो इमैच्योर थे। तो मायावती को जी को समझ में आ गया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें भी मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोकसभा का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में, ये कोई बहुत अच्छा नहीं था। सीटें तो जीती थी उन्होंने, लेकिन ये उनके पुराने वाले जो प्रदर्शन था उससे बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन था। तो बसपा जो भाजपा की जो रिपोर्ट आई कि इनको आखिर नुकसान क्यों हुआ, तो इनके जो महामंत्री हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने बोला, साथ ही साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में 15 पन्नों की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें ये बात अंकित करी, लिखी कि भाजपा को नुकसान इसलिए हुआ कि मायावती जी अपना चुनाव अच्छे से नहीं लड़ी, मतलब बसपा ने उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए भाजपा के लिए भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। जैसे कि मायावती अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो जो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला है ये उतने तादाद में ना मिलता, कुछ वोट तो मायावती भी कलेक्ट करती। और इसके साथ जो अखिलेश यादव को नॉन जाटो दलित वोट मिला है वो वोट
ये इनको बसपा के पास रुका रहता तो समाजवादी पार्टी की सीट इतनी ना निकलती और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर चाहती है कि बसपा मजबूत रहे और मजबूती के साथ चुनाव लड़े, जिससे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाए, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। इसमें जब तीन कोणों से लड़ाई होगी तो भाजपा के जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये भाजपा का अपना एक एनालिसिस है। इसके साथ ही जो अखिलेश यादव हैं, ये भी दिखना चाहते हैं कि ये नान जाटो जो दलित हैं ये इनके साथ हैं, क्योंकि अभी नान जाटो दलित वोट अखिलेश यादव के साथ चला गया है। लेकिन अगर अखिलेश यादव उसको सुरक्षित संभाल नहीं पाएंगे तो वो वापस भी चला आएगा, अभी ये वोट उनका पक्का नहीं हुआ है। इसीलिए अभी जो एक चीज़ें चल रही हैं कि रिजर्वेशन ऑन रिजर्वेशन, मतलब कोटा के अंदर भी कोटा, तो इसके लिए अखिलेश यादव भी मुखर होकर चले आए कि भाजपा ये जो करने जा रही है गलत करने जा रही है। हालांकि भाजपा ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, भाजपा की इसमें कुछ साजिश नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने मुखरता के साथ इस बात को उठाया है। और इस सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि वो दिखना चाहते हैं कि वो संविधान और आरक्षण के साथ हैं पूरी तरीके से। मायावती भी ये चाहती हम देखें, तो ये दोनों लोग अपने आप को प्रूव करेंगे तो ऐसा ना हो कि दलित वोट जो है वापस से मायावती के पास चला जाए तो अखिलेश यादव को नुकसान हो जाए, इसलिए वो भी अपने आप को दलितों के साथ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, इसमें अब देखना होगा कि बसपा किस हिसाब से अपना चुनाव लड़ती है। यहीं से पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की अब जो राजनीति होगी वो किस दिशा में जाएगी। दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं अब के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।